बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। माइक लगा। जिस तरह हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो लीनियर मोमेंटम या सिंपल हम मोमेंटम कहते हैं कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका मोमेंटम होता है, यानी कि अगर बॉडी एक मूव करती है तो उसका मोमेंटम एग्जिस्ट करता है उसके अंदर। बिल्कुल इसी तरह अगर एक बॉडी जो है एंगुलर मोशन में है, यानी कि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है उसका एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम उसमें पाया जाता है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग या कहते हैं कि रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी तो इट पोजेस एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। और वेलोसिटी क्या होती है? चेंज ऑफ, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज होगा वो कहलाएगी वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है, एंगुलर पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम पोजेस करता है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम को तो हमने कहा था कि ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम जो है एक एडिशनल चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखें अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल एक बॉडी है जिसका मास जो है उनके बराबर है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है पी। अब इसका ये बिल्कुल ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट इसका जो पोजिशन वेक्टर बनता है उसको हम आर से शो करते हैं, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बना आर। अब ये आर है ये पी है और आर और पी के दरमियान एंगल बनता है ये थीटा वेक्टर। तो हम क्या करते हैं पी जो है उसके जो लाइन है उसको बैक ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन और यहां से इसका परपेंडिकुलर यानी कि एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर जो इस लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो बिल्कुल ये देखिए। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो ये बनता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो होगी आर साइन ऑफ थीटा, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ थीटा होता है। और यहां देखेंगे इसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे, आर की मैग्नीट्यूड जो है आर वेक्टर की या पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आर के बराबर है, तो ये आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। अब ये आर साइन ऑफ थीटा और पी की मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, हम इसको आमतौर पर ऐसे शो करते हैं, तो ये आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इनटू पी, या हम कह सकते हैं आर पी साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है वो एंगल है आर और पी के दरमियान, आर और पी के दरमियान। अब देखेंगे ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर पोजिशन वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो है कि अगर इन तीनों यानी कि एंगुलर मोमेंटम पोजिशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये आर क्रॉस पी
लिखा है ई क्रॉस आर क्यों नहीं लिखा, ये देखिए आर पे जब हाथ रख के पी की तरफ नियर रोटेट करेंगे तो अंगूठा अपवर्ड आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा समझिए कि ये हमारे पास आर है ये हमारे पास पी है, तो ये आर पे हाथ रख के पी की तरफ नियर रोटेट करें तो थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का साइन इस वक्त पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम आर क्रॉस पी लेते हैं तो उसका साइन जो है नेगेटिव होगा, तो डेफिनेटली आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम इसकी तरतीब बदल देते हैं तो क्या होगा भाई, इसका साइन भी साथ तब्दील हो जाएगा, तो सही रिलेशन जो बनती है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर बनती है। और ये बात ध्यान रखें कि जिस तरह हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी के पैरेलल होती है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन डायरेक्शन होती है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल होती है, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी किधर बनेगी, ये आर है ये पी है, आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ, और इसी तरह अगर एक बॉडी है वो रोटेट कर रही है इस तरह रोटेट कर रही है तो उसकी डायरेक्शन भी किधर बनेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर बनेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ये बनेगी, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी आपस में पैरेलल होते हैं, जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर होगा आर और पी पी प्लेन का, ये बनता है आर पी प्लेन, ये आर ये पी, तो ये वाइट बोर्ड कह दें कि आर की प्लेन है, तो आर की प्लेन के ये एंगुलर मोमेंटम है वो परपेंडिकुलर होगा, तो जाहिर है उसकी जब ये डायरेक्शन होगी तो हम कहेंगे कि एल पॉजिटिव है, और जब ये डायरेक्शन होगी तो हम कहेंगे कि एल जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए आर क्रॉस पी लिखेंगे पी क्रॉस आर लिखेंगे एल जो है आर क्रॉस पी के बराबर होगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम, आर और पी का ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब रही बात कि इसकी यूनिट क्या होंगे, तो इसके ऐसे यूनिट अगर देखे जाए ऐसे यूनिट जो होंगे एल के वो क्या होंगे, ये देखिए आर के हैं मीटर और पी के एम वी के बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो एंगुलर मोमेंटम के जो यूनिट बनते हैं वो किलोग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होते हैं, और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है ये जाउल सेकंड में भी इसको लिखा जा सकता है, इस तरह यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि शो दैट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है वो जाउल सेकंड के बराबर होगा, तो जाउल सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपस में किस तरह बराबर होंगे, तो ये देखिए जाउल सेकंड, जाउल क्या है वर्क के यूनिट है, तो ये क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे न्यूटन, और न्यूटन वन न्यूटन किसके बराबर होता है, यानी कि वन जाउल को हम लिख सकते हैं वन न्यूटन मीटर और ये सेकंड आ जाएंगे। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, देखिए एफ जो होता है वो एम और ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसका मतलब वन न्यूटन इज इक्वल टू वन किलोग्राम वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह क्या लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब ये मीटर आ गया इसके साथ और ये आ गया सेकंड, अब सेकंड से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए मीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ हम कह सकते हैं ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिखे जा सकते हैं और इसको जाउल सेकंड में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये देखिए कि अगर तो बॉडी जो है वो एंगुलर मोशन में है, और एंगुलर मोशन दो तरफ की हो सकती है, बॉडी जो है अगर एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है तो भी उसकी मोशन एंगुलर मोशन होगी, और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो भी उसकी मोशन जो एंगुलर मोशन कहलाएगी,
तो हम ये पर्टिकुलर केस कहते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस वक्त उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह रोटेट कर रहा है सर्कल में, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ये वाला जब इस पॉइंट के ऊपर था तो उसका पोजिशन लग बनता था आर, और उसकी जो डायरेक्शन बनती थी ये होगी पी, यानी कि वी इधर है, जिस डायरेक्शन में वी होगा उसी डायरेक्शन में पी होगा। तो ये पी है, ये आर है, और ये होगा मोमेंटम, सॉरी एल, ये यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर पी और एल। ये जिस तरह पहले हम उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ये पोजिशन वेक्टर की डायरेक्शन, और ये मोमेंटम की डायरेक्शन, इस तरह ये एंगुलर मोमेंटम, ये आर, ये पी, और आर और पी का परपेंडिकुलर होगा ये एंगुलर मोमेंटम। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमने यहां डिफाइन किया है कि एल जो होता है आर पी साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। इस सिचुएशन में देखा जाए तो आर और पी के दरमियान बनता है 90 डिग्री का एंगल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये रेडियस और टेंजेंट वैसे भी आपको पता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये इस तरह ऐसे बनेंगे, तो दोनों के दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट किया जाए तो एल आपके पास आ जाएगा आर पी साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 जो है 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आर पी के इक्वल हो गया, एल जो है वो आर पी के बराबर है। लेकिन पी किसके बराबर होता है, वो एम बी के बराबर होता है, पी की जगह एम बी को किया जा सकता है। तो एल जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो एल आर और आर एम बी के बराबर हो गया। लेकिन ई को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि वी जो होता है वो आर और ओमेगा का प्रोडक्ट होता है। तो चूंकि वी जो है आर और ओमेगा के बराबर होगा तो एल इज इक्वल टू एम आर और वी की जगह आर ओमेगा। तो हम देख सकते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहां देखें ये पर्टिकुलर केस है जिसमें एक पॉइंट मास जो है वो रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर, जिसका रेडियस जो है वो आर के बराबर है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर आया। और आपको याद होगा पिछले आर्टिकल में हमने ये कहा था कि अगर एक मास जो है, एक पॉइंट मास जो है वो आर रेडियस में सर्कुलर मोशन को अडॉप्ट किए हुए है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रिजेंबल है इसका, हमने पढ़ा था ना पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहां देखें एम का जो रोल होता है लीनियर अपना लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में वही रोल जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, और वी जो है लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। ये लीनियर मोमेंटम हुआ, ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का पी जो है एमवी के इक्वल होगा, और जब ये सर्कल में मूव करता है तो डेफिनेटली इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो आई और ओमेगा के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब ये एक सिंपल केस था, एक पॉइंट मास जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अगर हम एक रिजिड बॉडी को इस तरह रोटेट करवाते हैं तो उसका जो है मोमेंट ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है। तो उसके लिए ये देखिए कि हम दिल पर एक डिस्क ले लेते हैं जिसके अंदर से ये पास हो रहा है एक्सेलरेशन, जिनकी डिस्क जो है रोटेट करती है। तो हम क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी तौर पर छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, यानी कि सारी की सारी डिस्क जो है उसको स्मॉल मास एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कह रहे हैं M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इस तरह पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था। तो अब ये रोटेट करते हैं तो हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर जो है वो रोटेट करता है,
और उसका मास भी स्पेशल होगा, mg बराबर m1 m2 m3 एंड सो ऑन। अब ये जिसका ये पॉइंट मास एक्ट कर रहा था, ये पोर्शन भी स्ट्रैक करता है, ये भी पोर्शन स्ट्रैक करता है, ये भी इसी तरह करता है, यानी कि इनकी इंडिविजुअल जो हैसियत है वो बिल्कुल उसी तरह की होगी जिसका ये पॉइंट मास जो है ये सर्कुलर मोशन में था। तो जाहिर है यही फार्मूला जो पॉइंट मास के लिए हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम का, वो हर ये जो मास एलिमेंट है इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम देखें कि ये पहला ये एम वन जो है इसका एंगुलर मोमेंटम एल वन जो होगा वो होगा एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा से ओमेगा। अब ओमेगा वन लिखा जा सकता था, लेकिन बारह हम ये डिस्कस करते आए हैं कि जब एक बॉडी जो है रोटेट करती है तो उसका हर पॉइंट का जो एंगुलर मोशन होगी वो सेम होगी, एंगुलर क्वांटिटीज जो है वो सेम होगी, यानी कि एंगुलर पैरामीटर जो है वो चेंज नहीं होंगे। डेफिनेटली ये इतनी देर में ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा उतनी देर में ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा उतनी देर में ये एक चक्कर मुकम्मल करेगा, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी वैल्यू सब जो हमने पॉइंट मास लिए हैं ऑब्जेक्ट के उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए मैं यहाँ मान नहीं लिख रहा। और इसी तरह एल टू कोई दूसरा मास है, मास एलिमेंट एम टू, उसका एंगुलर मोमेंटम एल टू है तो वो आ जाएगा एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा। इसी तरह को तीसरा हम पावर ले लेते हैं, ये मेरे पास एम थ्री है तो ये एल थ्री आपके पास आ जाएगा एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन। अगर ये पूरी की पूरी डिस्क जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है तादाद जो है वो एन के इक्वल है तो हम कह सकते हैं एल एन इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे के सारे एंगुलर मोमेंटम अलग अलग पॉइंट्स के लिए पॉइंट मास के लिए हमने निकाल लिए। अब चूंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और हर ऑब्जेक्ट जो है हर पॉइंट मास जो है उसके एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है ये अपवर्ड होगी, यानी जिस तरह यहां हमने कहा कि इस पॉइंट मास की जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है अपवर्ड है। तो चूंकि ये सारे के सारे वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है तो इनका सम किसके इक्वल होगा, इनकी मैग्नीट्यूड को सम कर दें। जब वेक्टर जो है दूसरे पे पैरेलल होते हैं तो उनके रिजल्टेंट निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, उसी डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड को सम अप कर दिया जाता है। तो यहाँ भी वही बात हम करेंगे तो टोटल एल किसके बराबर होगा, ये देखें ई आ जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा प्लस वन और ये एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ओमेगा को कॉमन निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस वन प्लस एम एन आर एन स्क्वायर और कॉमन क्या निकला ओमेगा। अभी इतनी लंबी एक्सप्रेशन को सिंबॉलिकली हम शो कर सकते हैं किस तरह सिग्मा की फॉर्म में, कैसे ये देखिए सिग्मा आई वेरी फ्रॉम वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर और वह निकलेगा ओमेगा। अब ये आपको पता है ये इस बॉडी का यानी कि ये तो हमने रेगुलर शेप में बॉडी दे दी है ना, कोई इरेगुलर शेप में भी बॉडी हो तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है निकालने का यही तरीका होता है। तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी इरेगुलर शेप में भी कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो जब वो रोटेट करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। अब अगली बात इसमें यह है कि अगर हमारे पास एक बॉडी वो स्पिन कर रही है और दूसरी बॉडी में ऑर्बिट कर रही है तो ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल एंगुलर मोशन और स्पिन एंगुलर मोशन दोनों एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होती 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 दोनों एंगुलर मोशन है, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है। फर्क ये होता है कि ये देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह मूव कर रहा है तो उसके सेंटर से एक्सेलरेशन है पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये इस तरह रोटेट कर रहा है मार्कर पे ऐसे रोटेट करता है तो ये हो रहा है स्पिन, और अगर इसको रस्सी बांध के हम घुमाना शुरू कर दे ऐसे तो ये होगी इसकी ऑर्बिटल मोशन। ये स्पिन का मतलब ये
स्पिनिंग कर रहा है और ये ऑर्बिटल मोशन है, दोनों एंगुलर मोशन। तो अगर एक बॉडी जो है वो स्पिन कर रही है तो उसका एंगुलर मोशन, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कहलाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर एक बॉडी जो है वो इस पर रोटेट कर रही है तो उसका अपना एक्सिस जो है ये हिसाब पर ये दे ले, ये रॉड है, अब ये इस तरह रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस रोटेशन है, तो ये होगी इसकी स्पिनिंग। और ऑर्बिटिंग कैसे करेगा ये देखिए, यही रॉड, ये रॉड हमने लिया दिल पर और इसके साथ हम एक छोटा सा लाइट किस्म का रॉड यहां अटैच करके उसके साथ एक बॉल भी अटैच कर देते हैं, तो ये इसका एक्सेलरेशन है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो है ये रॉड ये रोटेट कर रहा है, लेकिन यहां इसके एक और रॉड लगाया हुआ है और उसके एंड के ऊपर ये बॉडी है, तो ये क्या करेगा, ये भी एंगुलर मोशन होगी लेकिन ये ऑर्बिटल एंगुलर मोशन होगी, ये स्पिन होगी, ये ऑर्बिटल मोशन होगी। ये देखिए ना, हमारी अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है और उसकी ऑर्बिटल मोशन भी है, स्पिन की वजह से दिन रात बांध रही है, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो इस तरह रोटेट कर रही है मशरक की तरफ, यानी कि हम जो है मशरक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमें महसूस होता है कि सूरज जो है वो मगरब की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस तरह अपने एक्सिस के अबाउट जो है अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो ये इसकी होगी स्पिन मोशन। और वो सूरज की अर्थ अगर जो है ऑर्बिटिंग कर रही है जिसकी वजह से हमारे साल कंप्लीट होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, तो ये जो एंगुलर मोशन है इनके स्पिन का मतलब क्या हुआ कि अपने एक्सिस के जो रोटेशन हो रही है अर्थ की, तो ये स्पिन मोशन होगी इसकी। और इसी तरह जब जमीन के सूरज की अर्थ रोटेट करती है तो हम कहेंगे कि ये इसकी ऑर्बिटल मोशन है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बॉडी से आउटसाइड होता है, जबकि जो हमारी स्पिन मोशन होती है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बॉडी के अंदर से पास होता है। अब इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या होता है, ये देखिए हमारा फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये आ जाएगा एल एस इज इक्वल टू आई एस ओमेगा एस, और इसके लिए क्या होगा एल ओ इज इक्वल टू आई ओ ओमेगा ओ। अब ये तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि ये एक सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है, तो वो इसकी ओमेगा मीन एंगुलर वेलोसिटी होगी। और ये हम देखते हैं कि कितना ये ऑर्बिटल मोशन में कितने चक्कर जो हमें कॉमल करता है, ये इसकी एक सेकंड के अंदर ये इसकी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोशन होगी, वेलोसिटी होगी। फर्क इसमें पड़ता है, यानी कि जब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हम स्पिन मोशन जो है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि ये बॉडी जो है इसकी शेप क्या है, ये रॉड है, ये स्पीयर है, ये डिस्क है, ये हुप है, तो इसका आई एस जो है यहां उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि बॉडी हमारी अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है तो इसका आई एस जो होगा फिर वो सर्कल वाला इस्तेमाल करेंगे 2/5 mr², ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल क्वेश्चन में क्या होगा, ये सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सूर्य से यानी कि सन से जमीन तक का जो फासला है ये इस तरह ये ऑर्बिटिंग कर रही है अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है। अब इस सूरज और जमीन के दरमियान जो फासला होगा वो कह लेंगे आर के इक्वल है, तो फिर यहाँ ये जमीन का मास जो एम के इक्वल है तो यहाँ आई नॉट जो होगा वो 2/5 mr² नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ mr² लिखना पड़ेगा। क्यों बोला कि अब इसकी ऑर्बिटल मोशन है तो ऑर्बिटल मोशन में इसका एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² के बराबर हो, मीन ये स्फीयर था या रॉड हो या कोई भी और शेप में ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए आई ओ की वैल्यू यही रहेगी mr² की बराबर ही रहेगी, लेकिन अगर जब हम स्पिनिंग करते हैं तो उस वक्त देखेंगे तो आई एस जो है स्पिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है, शेप चेंज हो जाती है तो इसका फार्मूला जो है इसका वो भी चेंज हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है मेरे पास में समझ आ रही होगी, अगर कुछ बात न समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।